अस्सलामुअलैकुम, इट्स हसन खान बैक विद अनदर व्लॉग टुडे। ऑलमोस्ट दो हफ्ते के बाद मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मैंने सोचा एक नए फॉर्मेट पे व्लॉग बनाते हैं। तो आज संडे है, 3rd of December है और मैंने अपना पूरा दिन ऐसे प्लान किया था कि सुबह उठूँगा, एनिमल मूवी आई हुई थी तो एनिमल मूवी देखने जाना था और एनिमल मूवी देखने के बाद ग्रोसरीज़ करनी थी, ग्रोसरीज़ करने के बाद बाहर डिनर करना था और फिर घर आना था। आज तो मेरी ये रूटीन थी। इसमें एक और प्लान भी था कि हमें जाना था ह्यूस्टन की विंटर लाइट्स देखने, लेकिन मैं वो वहाँ नहीं जा सका क्योंकि उसकी टिकट्स आज की सोल्ड आउट थी और अब वो नेक्स्ट वीक की मिल रही थी, तो नेक्स्ट वीक उसको देखते हैं। बट आज का जो मेरा व्लॉग होगा, मैं आपको पहले एनिमल मूवी के बारे में बताऊँगा और फिर पूरा दिन के बारे में, उसी तरह चलते चलते इस व्लॉग को फिर एंड करेंगे। तो चलें जी, कहानी को आगे बढ़ा था। तो मैं आराम से तकरीबन 12:30 उठा, उसके बाद घर में आज आलू के पराठे बने हुए थे, नाश्ता किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद स्लोली पूरी हम सब लोग तैयार हुए और हमारा 3 बजे का एनिमल मूवी का शो था। मैं एनिमल मूवी देखने के लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड था और मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक को हिट किया है फॉर एवरी गाय, और फादर सन रिलेशन पे बहुत कम मूवीज़ बनी हुई हैं और जिस जगह उन्होंने हिट किया है ट्रेलर से मुझे समझ आ गई थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था देखने के लिए। तो फ़र्स्ट शो नहीं जा सका, मेरी जॉब थी तो मैंने वेट किया संडे को, संडे का वेट किया। मैंने कल जाके टिकट उठाई थी AMC सिनेमा से, मेरे घर के पास एक ही है तो वहाँ मैं गया, मैंने टिकट्स उठाई और मुझे पता नहीं था कि जैसे पाकिस्तान में न्यूप्लेक्स में आपका रॉयल सिनेमा होता है और एक नॉर्मल सिनेमा होता है, यहाँ पर सारे सिनेमा ही रॉयल है। तो 3-3.5 घंटे की मुझे पता था मूवी है, तो हम सब तैयार वगैरह हुए और तैयार वगैरह होने के बाद हम लोग, मैं निकला सिनेमा, वहाँ फिर वहाँ गया और वहाँ फिर मूवी देखी। मूवी देखने के बाद फिर हमारा कुछ और प्लान था, तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए ग्रोसरीज़ पे। तो ये एनिमल मूवी मेरी USA में पहली मूवी थी, तो मैं सिनेमा का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा कर रहा था। अंदर गया, मैंने रिफिलेबल नाचोस, पॉपकॉर्न और ड्रिंक पकड़ी और पहुँच के मैं चला गया हॉल के अंदर। हॉल के अंदर गया तो खुला डुल्ला सा माहौल था, मैंने अपने नाचोस इन्जॉय करे, खाना शुरू किया और मूवी का वेट किया। थोड़ी देर बाद ही ना मूवी के ट्रेलर वगैरह शुरू हो गए, अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते रहे, और जिसके बाद जब मूवी शुरू हुई, मूवी के शुरू होते ही मैं था, नाचोस थे और बेहतरीन मूवी थी। तो भाई 3-3.5 घंटे की मूवी देखने के बाद बहुत मज़ा आया, एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस था, गाने टॉप क्लास थे, सब अच्छी मूवी थी। उसके बाद हमने जाना था ग्रोसरीज़ पे, तो वहाँ से मैं निकला 18 मिनट ड्राइव करके, हमारा जहाँ से हम मंथली ग्रोसरीज़ करते हैं ना, हम वहाँ से गए वर्ल्ड फूड, वहाँ पे हलाल चिकन, हलाल मीट और सारे पाकिस्तानी मसाले और ऑयल वगैरह जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं इजीली मिल जाते हैं, तो एक अच्छा देसी स्टोर है, तो वो इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी कम्युनिटी को केटर करता है। तो उसके बाद हम वहाँ चले गए, वहाँ से अच्छी खासी ग्रोसरी करी, अच्छा टाइम वहाँ दिया कि घर में क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप US में रहते हैं तो आपके 3 से 4 मेन खर्चे हैं, एक रेंट जब तक आप अपना घर नहीं लेते या मॉर्गेज अगर आपका अपना घर है, उसके बाद दूसरा एक्सपेंस है गैस क्योंकि गाड़ी के बगैर आप यहाँ गुजारा नहीं कर सकते, तीसरा इस ग्रोसरीज अगर आप मुस्लिम फैमिली हैं, अगर आप हलाल खाते हैं तो यहाँ पर बाहर का तो नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल से ही हलाल मिलता है और मज़े का भी नहीं होता, तो ये 3-4 आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर जो होते हैं। तो फिर हमने वहाँ से ग्रोसरी करी और ग्रोसरी करने के बाद मेरी छोटी बहन ने मुझे बोला उसको भूख लग गई है, तो फिर वो एक बहुत मुश्किल डिसीजन था कि खाना कहाँ खाना है। खाने में कैश्यू नट और किंग पाव चिकन ऑर्डर किया था, बहुत ही बेहतरीन था। तो जैसे आपने भी स्नैप में देखा, हम लोग खाना खाने जेटली ब्रिस्टो गए थे, ये यहाँ का ओनली हलाल चाइनीज़ है। इसके पास मैं जॉब करता था, तो वहाँ जब मैं ट्रेनिंग पर जा रहा था तो मुझे मेरे कॉलीग ने बताया था कि हसन यहाँ का चाइनीज़ इज़ अ मस्ट ट्राई, जैसे कराची में हमारा मशहूर है ना, क्या नाम है उसका, बैम्बू का जैसा चाइनीज़ है, ये लोग बैम्बू जैसा चाइनीज़ बेचते हैं। तो मैंने बोला यार आज बहुत टाइम से ट्राई नहीं किया और संडे है तो फैमिली के साथ वही ट्राई कर लिया जाए। तो खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ के हिसाब से, जैसे बाकी यहाँ पर हॉटपॉट टाइप चाइनीज़ हैं उससे बहुत बेहतर था, थोड़ा अपना देसी टच था। बट मेरा जो ज़बान पर एक टेस्ट है ना, तारिक रोड का एक चाइनीज़ है, उसका नाम है योंग टोंग का चाइनीज़ है एक, उस चाइनीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा फेवरेट चाइनीज़ तो योंग टोंग का है, उसका स्पेशल हॉट एंड सॉर सूप, मैं इसके बाद क्लिप भी लगा दूंगा ताकि योंग टोंग का चाइनीज़ देखें आप लोगों के मुंह में भी पानी आए। तो
तो योंगटोंग का चाइनीज़ इज़ लाइक द बेस्ट। तो हमने उससे कंपेयर किया तो नथिंग कम्स नियर योंगटोंग, बट यहाँ के हिसाब से गुजारा ठीक था। तो चाइनीज़ खाया और चाइनीज़ खाने के बाद हम लोग घर आ गए, और ये मेरे पूरे दिन की आज थी समरी। अच्छा भाई, अब काम की बात करते हैं, एनिमल मूवी का रिव्यू। जैसे मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं, वो तो नहीं देख सकते तन्मा जाके, तो उनके लिए मैं रिव्यू दे देता हूँ कि कैसी मूवी है। मूवी की स्टोरी इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, अमेजिंग मूवी की स्टोरी है। द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव और परफेक्टली शोन के कैसा होता है, मतलब एक सन फादर का रिलेशन दिखाया है। कुछ लोगों के रिलेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ का मीडियम होता है, कुछ का बिल्कुल जैसा मूवी में दिखाया है वैसा होता है, हार्श। बट एक बिटर रियलिटी है कि सन्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर लव टू देयर फादर्स। अगर वो करते भी हैं तो फादर एक्नॉलेज नहीं करते। सोसाइटी ने इस रिश्ते को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो ये एक चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से इससे हाईलाइट हुई है कि वी माइट बी मोर कम्फर्टेबल टॉकिंग टू आर फादर फ्रेंड्स एज़ कम्पेयर टू आर फादर। क्योंकि आई फील लाइक मोस्टली फादर्स अपने बच्चों से, बेटों से दोस्तों वाला रिश्ता डेवलप नहीं करते, एंड दिस इज़ समथिंग आई वॉज एबल टू रेजोनेट टू। बट स्टोरी बहुत कमाल थी, रणबीर कपूर की एक्टिंग टॉप क्लास, हिज लुक्स, हिज फिटनेस, लाइक आफ्टर संजू मुझे इसकी ये मूवी बहुत पसंद आई है। गाने टॉप क्लास थे, प्लॉट भी अच्छा था। बस एक जगह मुझे एक चीज़ पे लगा कि लंबी हुई है, वो ये है कि जब वो बीच में मूवी में बीमार होता है ना, तो वो आधे पौने घंटे में आप उसको निपटा सकते थे, लेकिन दे ड्रैग्ड हिज इलनेस ओवर 45 मिनट्स। तो वो वहाँ पे लग रहा था कि उन्होंने मूवी को ड्रैग किया क्या, तभी वो 3.5 घंटे पे पहुँच गई। और मूवी पे जाने से पहले मुझे लोगों ने कहा था फैमिली के साथ जाने वाली मूवी नहीं है, नंगे पंगे सीन्स हैं, नहीं थे यार हार्डली, एक गाने में थे, एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे। तो फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, थोड़ी वॉयलेंस है, खून खराबा है, बट अ गुड मूवी, वेरी नाइस मूवी। बट मुझे अगर आप कंपेयर करोगे कि मैं जवान और पठान से इसको कंपेयर करूं, तो जवान और पठान में मुझे कोई स्टोरी समझ नहीं आई, बस शाहरुख खान था इसलिए वो अच्छी थी। इवन तो शाहरुख खान इज़ माई फेवरेट एक्टर, जो दुनकी आ रही है वो मुझे अच्छी लग रही है। बट अगर आपने जवान और पठान देखी है तो फिर आपको एनिमल देखनी चाहिए, आपको एनिमल ज़्यादा पसंद आएगी। अब उसमें शाहरुख खान जैसा स्टार नहीं है, बट रणवीर कपूर की एक्टिंग तो टॉप क्लास थी। आई रियली रियली लाइक्ड हिज एक्टिंग, बहुत वेल एग्जीक्यूटेड मूवी थी, इट्स अ मस्ट वॉच। और अगर आपको ये व्लॉग का फॉर्मेट पसंद आया हो कि मैं थ्रू आउट द डे छोटे छोटे क्लिप्स बना के साथ जोड़ रहा हूँ, या पूरे दिन के क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ और फिर ऐसा करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा विच फॉर्मेट यू गाइस लाइक द मोस्ट। और हसन खान को इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, और मुझे इसी तरह इजाज़त दें। हसन खान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।